नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। बात करने जा रहे हैं आजाद के बारे में, बात करने जा रहे हैं आकाश आनंद के बारे में, बात करेंगे अखिलेश यादव के बारे में। ये तीन वो ऐसे नाम है जो इस वक्त उत्तर प्रदेश के राजनीति में एक बड़ा चेहरा कहीं ना कहीं बने हुए हैं। कारण ये भी है क्योंकि चंद्रशेखर आजाद एक और संसद पहुंच चुके हैं, संसद पहुंचकर संविधान की किताब लेकर अपने साथ संसद पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने शपथ ली और अपने अपने ही यानी अपनी दलित वर्गों के लिए, जो उनके दलित लोग हैं, उनके लिए तमाम तरह के बयान जो हैं ओम बिरला के सामने रखते, तमाम तरह की बातें ओम बिरला के सामने रखते नजर आए। एक और अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया, कन्नौज से जीते सांसद, जिन्होंने जिस प्रकार से खुद को इस बार संसद में कहीं ना कहीं प्रस्तुत किया था वो देखने लायक था। उत्तर प्रदेश में जीत के बाद अखिलेश यादव का जो डंका है वो पूरे यूपी में कहीं ना कहीं बज रहा है और अब उनका ध्यान है उत्तर प्रदेश के 2027 के विधानसभा चुनाव में। वहीं तीसरी तरफ है आकाश आनंद। राजनीति का एक ऐसा नाम इस वक्त बने हुए हैं कि हाल ही में तो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पद से हटा दिया था, लेकिन अब वही मायावती ने बहुजन समाज पार्टी की बिगड़ती हालत देख, गिरता स्तर देख आकाश आनंद को वापस लिया पार्टी में, उनकी वापसी कराई बहुजन समाज पार्टी में। नेशनल कोऑर्डिनेटर का उन्हें पद सौंपा, पद अधिकारी उनको एक बार फिर से, उत्तर अधिकारी उनको एक बार फिर से बनाया और अब आकाश आनंद जो है वो भी लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। कारण इन तीनों के सुर्खियों में बने रहने का ये है कि अब उपचुनाव है उत्तर प्रदेश में, 17 सीटों पर उपचुनाव है और ना केवल उपचुनाव बल्कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव भी है। और इन विधानसभा चुनाव में अब आकाश आनंद, चंद्रशेखर आजाद, अखिलेश यादव, मायावती, ये तमाम वो बड़े नाम हैं जो लगातार चर्चा में हैं। और कारण ये है कि आखिर किस सीट से कौन उतरेगा, किसकी जीत होगी, इसकी अटकलें लगातार लगाई जा रही हैं। अटकलें तेज हैं कि इस बार कहीं ना कहीं जो ये तमाम पार्टियां हैं जिस प्रकार से कहीं ना कहीं चुनावी मैदान में, उपचुनाव में उतरेंगी, बीजेपी को आखिर कैसे कांटे की टक्कर देती नजर आएंगी। आपको बता दें उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की कहीं ना कहीं इस बार लोकसभा चुनाव में करारी हार हुई है, 33 सीटों पर यूपी में बीजेपी सिमट कर रह गई है। लेकिन सपा की जीत के साथ ही लगातार अटकलें तेज लगाई जा रही है कि सपा जीती तो लोकसभा चुनाव में है लेकिन उपचुनाव की जो तैयारियां है अखिलेश यादव की ओर से, आखिर वो तैयारियां किस तरह से चल रही है। वही बात करें मायावती की, तो मायावती ने इस बार आकाश आनंद की वापसी तो कराई लेकिन क्या आकाश आनंद उतने योग्य हैं उत्तर प्रदेश की सियासत को संभालने के लिए, क्योंकि ये वही आकाश आनंद है जिन्होंने हाल ही में लोकसभा चुनाव के दौरान, चुनावी रैलियों के दौरान केंद्र सरकार पर, बीजेपी पर, योगी सरकार पर निशाना साधा था, आतंकवाद सरकार की तुलना कर दी थी और अब आकाश आनंद को उस वक्त कहीं ना कहीं पार्टी से हटा दिया गया था, मायावती ने उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया था ये कहकर कि वो योग्य नहीं है अभी पार्टी की कमान संभालने के लिए। लेकिन उसके बाद बहुजन समाज पार्टी को जनता का आक्रोश सहन करना पड़ा और अब आकाश आनंद की वापसी हो चुकी है। अखिलेश यादव लगातार कोशिश कर रहे हैं कि मायावती को इंडिया गठबंधन में शामिल करा सके, उनकी पार्टी का गठबंधन करा सके, लेकिन मायावती इस चीज के लिए तैयार नहीं है। अब उपचुनाव है, देखना दिलचस्प है कि आखिर इस उपचुनाव में अखिलेश यादव गठबंधन के लिए मायावती की ओर अपना हाथ बढ़ाएंगे या नहीं और यूपी के विधानसभा चुनाव में आखिर क्या रणनीति अखिलेश यादव बनाते नजर आएंगे। फिलहाल अब इस पर आप क्या कहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज।